आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक धमाकेदार जगह पे। एक्चुअली गाइस वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और इसका वीडियो आपको परसों मिलेगा इंडियन व्लॉगर शोमनी चैनल पे। सबसे पहले तो मिथुन को रेडी करूंगी क्योंकि जो भी हो इतनी अच्छी एक जगह पे जा रहे हैं, वीडियो नहीं होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजों के लिए मिथुन को तैयार करना है आज। और मिथुन को आपको पता है कि हमेशा ऐसे सॉल्ट एंड पेपर में रहते हैं, बिल्कुल भी अपने हेयर कलर करने में वो इंटरेस्ट नहीं रखते, पर कहीं अगर जाना होता है तब भी उनको हेयर कलर करवाना है। और जब से ये लॉरियल पैरिस का मैजिक रिटच मिला है तब से तो इनका ये जो स्वभाव है ना, ये और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। क्या प्रॉब्लम है? इंस्टेंट सोल्यूशन तो है ना हमारे पास, तो वही आज मैं करने वाली हूँ। और जितने बार मैं मिथुन का हेयर कलर करती हूँ ना तो आपके साथ इसका वीडियो बनाती हूँ, उसमें भी कई मजा आता है। तो ये है लॉरियल पैरिस का मैजिक रिटच जिससे मैं मिथुन के बाल अभी काला करने वाली हूँ, क्योंकि ये है ब्लैक, पर इसमें आपको मिल जाएगा कई सारे कलर। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कलर है वो है ब्लैक एंड डार्क ब्राउन, तो आज मैंने ब्लैक लिया है। एंड गाइस मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि ग्रे हेयर के लिए ना ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप इसे अप्लाई करो, आपके चारों तरफ ये नहीं स्प्रेड होगा, क्योंकि क्या होता है जब भी आप कुछ स्प्रे करो तो आपके फोरहेड में और स्कैल्प में ये लग जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल सिलेक्टेड एरिया में ही ये कलर करेगा। और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझ पे जच नहीं रहा है तो आप हेयर वॉश कर लो, ये इमीडिएटली निकल जाएगा। यही होता है टेम्पोररी कलर का प्रॉफिट। इसे मैजिक रिटच क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि ये हेयर के रूट से लेके बिल्कुल एंड तक कलर करेगा, फिर भी आपके स्कैल्प पे थोड़ा सा भी कलर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड यानी कि टारगेटेड एरिया को ही ये कलर करे। ये इंटरनेशनली काफी पॉपुलर है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये इजी टू अप्लाई है, टेम्पोररी फिक्स फॉर रूट है। ये जैसे कि एक गेम चेंजर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इजी टू अप्लाई है और बहुत ही क्विकली ये ड्राई हो जाता है। पर हाँ, इसे यूज करने के बाद ना कोई मॉइस्चर, स्वेट या रेन ये सब आपके हेयर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टेम्पोररी कलर है ऑब्वियसली। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहना, तो हेयर वॉश करने के पहले तक ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से कवर करके रखेगा, स्पेशली ग्रे हेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन का हेयर कलर। तो मिथुन आ जाओ। ये सुपर इजी टू अप्लाई है, बहुत क्विकली ड्राई हो जाता है और वॉश करने से पहले तक ये बिल्कुल ठीक रहता है। पर एक बात याद रखना, ये लगाने के बाद मॉइस्चर, रेन और स्वेट को अवॉइड करना। ये एक कैन 25 टाइम्स आप यूज कर सकते हो और इसमें कोई भी अमोनिया नहीं है, नो ट्रांसफर एंड स्मज प्रूफ। और आप देख सकते हैं इसके माइक्रो डिफ्यूजर के कारण ये सिर्फ टारगेट एरिया को ही कलर करते हैं, कहीं और नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कलर नेचुरली ब्लेंड हो जाता है और हेयर को एक शाइनी लुक भी देता है, हेयर कलर को बूस्ट करता है और हेयर को हेल्दी रखता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है और इसका ये नोजल बेस बहुत ही इजी टू अप्लाई है, मतलब जब भी आप ट्रैवल करो ना तो कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं जाते हुए कि आप भूल गए हो घर में इसे यूज करना तो पर्स में रख लो, बस कार में जाते हुए आप यूज कर लेना, कहीं पर भी यूज कर सकते हो, किसी को भी परेशानी नहीं होगी, आपको भी परेशानी नहीं होगी, पर आप रेडी हो जाओगे कहीं पर भी जाने के लिए। कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पूरा बाल कलर हुआ है, बस दाढ़ी को ही नहीं कर पाए क्योंकि मुझे मना कर दिया था कि दाढ़ी में हाथ भी मत लगाना। तो ये कलर करके जितनी बार तुमने किया है हर बार तुम्हें क्या महसूस होता है? इंस्टेंट सॉल्यूशन, थोड़ा उम्र तो कम हो जाता है लेकिन उम्र मेरा ऐसे ही कम है, थोड़ा सा बाल ग्रे हो गया वो भी लॉरियल ने इंस्टेंट सॉल्यूशन निकाल दिया। ये नहीं होता तो इतना बड़े बड़े बाल निकल जाता, झटपट से हो जाता है। ये भी अभी करना सीख चुके हैं, मतलब मैं तो आपको दिखा रही हूँ पर ये अपने खुद को खुद भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है। सो अगर आपको ये कलर लेना है, आपको खरीदना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी पिन कर देंगे, ठीक है? तो आप एक बार ले सकते हो, लेके आप खुद के लिए भी अगर आप चाहे तो आपके घर में मतलब मम्मी पापा के लिए भी आप लेके यूज कर सकते हो, मतलब वो लोग खुद भी कर सकते हैं। हमेशा बोलते हैं ना आज मुझे हेयर ड्राई करना है, मुझे कौन करके देगा, किसके पास आज टाइम है, आज कौन हमें हेयर ड्राई करके देगा, या तो मुझे पार्लर भेज दो। तो इस तरह के प्रॉब्लम और नहीं होगा, मम्मी पापा खुद भी इससे अपना हेयर कलर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बस यही था, तो फिर हम मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।